सब्जी रेडी है। ये पापा का गिफ्ट। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आशा करते हैं आप भी सब ठीक होंगे। और चलिए करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। और मैंने कल के ब्लॉग में बताई थी मतलब कि हम 12 बजे घर आए थे, तो सोन साण में एडिटिंग करने में हमने 1:30-2 बज गया था गाइज, और मेरी ना 5 बजे आँख भी उगड़ गई फिर भी। तो मन सोची चलो घूम आऊँ ऊपर जाकर थोड़ी सी, और नीचे भी घूम ली थी पहला, फिर ऊपर आ गई मैं कहा ऊपर का और भी बढ़िया मौसम हो रहा है। और ना ओस पड़न लग गई सारे पेड़ पौधे पर, मतलब ओस हो रही है। ऊपर आकर एक देखा, एक प्लेट सी रखी है उस पर भी ओस ओस हो रही है, देखो इस पर भी ना ओस ओस सी हो रही है। और अन्नी ने कहा मम्मी जाडे शुरू हो गए, मैं कहा और भाई जाडे था महंगे जाडे तो शुरू हो रहे गड़े दिन के, तो हल्की हल्की ठंड सी नु महसूस हुआ सुबह सुबह के टाइम, दोपहर में तो वाई गर्मी है। और बच्चे बच्चे सब सो रहे हैं, अभी सोमवीर जी भी सो रहे हैं, तो मैंने सोची और पानी चला रखा है, मोटर भी चल रही है, टंकी में लगा रखा है, पानी भरन लग रहा है, तो मैं घूम लूँ थोड़ी देर और फिर पूछूंगी चाय बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि लेट आए थे। तो मैं सोचू मन तो नींद आई को ना, तो उन्हें तो सो लन दूँ, मैं तो 2-4 घंटे सो ली होगी मेरी तो नींद पूरी, तो चाय देखूँगी इवन ना बनाऊँ शायद उन्हें सोने दूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। इतना शोर हो रहा है एरोप्लेन का बहुत ज़्यादा, ऐसा हो रहा था जो छत पे उतरेगा कति। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, कोई भी नहीं उठ रहा है, तो मैंने सोची कि चाय बनाऊ, चाय तो उठ सके हैं वे, बाकी तो वे मना कर रहा है मम्मी भी मत उठावे, तो मैंने सोची चाय रख दी ना। और मैं लौट के भी छक ली, मैं घूम के भी छक ली, मैं ना तो भी ली, पर वे उठने का नाम नहीं ले। और आप सोचोगे चाय पीना बना के दी पहला है, तो मैं उन्होंने बेरा था मम्मी उठते की साथ, मतलब मारती ने सोचेगी कि ये भी उठ जाए चाय बना, तो मैं चाय बना थी मतलब न्यू था मैं ले चाय बना लूं, बोली चाय मत बनाइए। और टाइम 9 बज रहे हैं, और मैं बोर होगी कभी एक ली, तो मकई तो ठाऊंगी 9 बज रहे हैं, मैंने चाय रख दी है। और काम के करूं क्योंकि सारे बरती हैं, काम भी कुछ करूं तो कुछ बनाऊं भी, तो किसे थी कुछ खाना वाना बना कर रखूं के भाई तई उठाऊंगी, फिर वे साइड साइड सारे बाथरूम में बढ़ेंगे भाजकर है, और फिर वे नाव दोगे और फिर वे जोत बत्ती खड़ेंगे। तो एक बार मैं चाय बना लूँगी गाइज, और मैंने ब्रेड सेक लिए हैं अपने थी, और इसमें मैंने दूध भी निकाल दिया है, भगोना दो दिया, भगोना ही भगोना था, बर्तन तो और कुछ था ही ना होया इना तो। और देखो ये मैंने ना शाम ने इमली भिगो कर रखी थी, इनकी मीठी चटनी बनाऊंगी। और इसने ना बर्त में भी खास कहें गाइज, क्योंकि इसमें चीनी पड़ा है, और मिर्च की जगह आप वो डाल लियो, काली मिर्च डाल लियो थोड़ी सी बस, और सिंधा नमक, वो ही टेस्ट आओगा बिल्कुल। तो एक बार मैं चाय दे दूँ और उन्हें उठा दूँ सारे ने। तो गाइज मैं चाय ले आई हूँ, देखो सोन लग रही है, कितना करड़ा अंधेरा कर रहे, उठो 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 गाइज उठो बच्चो, सोमवीर जी देखो टाइम दिखाऊं 10 बज गए, उठ लो शर्म करो कुछ चाय पियो ननू, ए नी उठो गुड मॉर्निंग ना दो लो और जोत बत्ती कर लो साइड साइड, तो मैं एक बार इन चाय पे दे दूं जल्दी तक। और 10 बज गए देख लो गाइस, मेरी दवाई का भी अलार्म बोल गया है, तो मैं एक बार दवाई ले लूं और इन ती चाय दे दूं, तो मिलते हैं आपसे। और गाइस सोमवीर जी जोत बत्ती करन लग रहे हैं, उठ लिए थे ना धो लिए हैं सारे,
शंख देखो कितना मतलब बढ़िया बजाना है, एक अलग वाइब्रेशन सा हुआ है घर में शंख की आवाज सुनकर। जय माता की। के मंगवाया था गिफ्ट के देख ले मन ने भी रहा हाथ लगाते भी रहा बात नहीं होती है गाना मत बोल देख ले वो है जो मम्मी ने दी। हेलो गाइस मेरी विश लिस्ट मत आयो उसमें तो देख मजा आया देख के मजा आया पहले किसका था देखूंगी आपके ले ले कदे वो मक्के में ना वो ये मटेरियल डिजाइन सा भी है और ये पकड़ पा लंबी बात दीदी होती इन मैंने इन्हें नोट भर के देने चाहिए यो अखबार तेरा पापा बैठा हुआ है तेरा पापा भरेगा तो किन में भरेगा ना होती है ना जी ओह ओह मम्मी इतना छोटे से अब तो कितना सारा वो लिखा है इसमें एक दे दिया है बीच में और रोल सारा यो परस है बढ़िया मैं कितना जाऊँ तो मैं अपनी दवाई पूरी गाल ले जाऊँ एक बोतल ला ना छोटी सी मेरी दवाई की डिब्बी भी आ जा क्योंकि ये छोटा छोटा सा ना पापा भी ले लो इस गिफ्ट बस इसको छोड़ो छोड़ो बाद में करना ये पापा का गिफ्ट उल्टा आयो मस्त लगे गति पर आती बंद कर क्या मना पर आई थी गुठी ना ले ली थी मैं भी लेगा लाइट चला है किसी लगी बढ़िया लग 10 पैसे हनी ने गिफ्ट दिया है गाइस मेरे को बहुत कितने सपोर्ट से सपोर्ट हनी ने गिफ्ट दिया है गाइस मेरे बटवे में मेरे से कर कर दे लग रहा है ले चांदी का सिक्का तेरी पापा के जन्म तक पर आ ये चांदी का कोने माता का है वैष्णो माता का फिर वैष्णो माता का चांदी का है यो रितिका ने तो मंगाया ना रितिका का रितिका ने दिया है दिया मेरा कदा होगा विश लिस्ट में तो देख कर ना इसने जब मंगवाया है ये बत्ती भी जोड़ दी है आप इसने कितना भी बड़ा कितना भी छोटा कर लो और क्वालिटी वाकई में बहुत बढ़िया गाइस है ना इतनी इसमें यार ढीली है मैंने इसमें पैसे अपर 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 आई गिफ्ट मतलब करके गिफ्ट ठाठा देन ला गए गर, जो घर में रखे ना वे गिफ्ट साठा देन लग रहा ये मेरा आया ही ना आई वे तुमने के मंगवा रखा है देख लिया है पछे तू खोल लेगी ठीक है गाइस इसका गिफ्ट आ जाएगा ना जब दिखाऊंगी आपने जरूर तो मिलते हैं थोड़ी देर में रितिका चाय बनाने लग रही है अपने पापा की रपनी और मन चून भेज दिया है मैं बनाऊंगी अपनी रोटी इनकी गल मेरा और दुखी हो रही हूँ मैं और तो
यो कच्चे दूध की बनाओगे, एक थैली खोल ली है और तीन दली है ये, एक और खोल दे रही थी इसमें, ठीक है ताता दूध इस्तेमाल पीण में हो जाएगा, मैं ताता ना करूँ ना, तो एक बार मानी ना दूध गाल के दे दू। नीति दूध दे दिया था, सोमवीर जी समाचार देखन लग रहे हैं। मेरे बर्तन रह गए थे थोड़े से, वे साफ कर दिए हैं मैंने, और इसमें मैंने आलू रख दिए हैं उबलने, मतलब आलू रख दिए हैं दो का, इसमें इन रखूंगी और चाय बनने लग रही है। चाय बनाऊं थी मैं तो रितिका ट्यूशन तागी ने बोली मम्मी मैं बनाऊंगी, तो ही वाई बनाओ के ले आओगी चाय भी। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में एक बार। ये इसमें मैंने काजू टमाटर उबाल दिए हैं, और आज है ना बनाऊंगे शाही पनीर की सब्जी और रोटी सिंगाड़े की। रोटी तो मैंने आप तो दिखाई दी थी, ये मैंने आलू उबाल लिए हैं, मैंने तो पतले मतलब सब्जी भी बनाऊँ इसकी, पर सब्जी फिर मेरी याद आ गई कि पनीर की बनाऊंगी आज, शाही पनीर नहीं तेरी थी करती, व्रत की सब्जी तो दिखाऊंगे आप ना, हम शाही पनीर की सब्जी के ऊपर बनाया करें। रितिका लग गई है तैयारी करन, और वो मेरे चाय के बर्तन भी रह रहे हैं थोड़े से, वे भी साफ करूंगी। तो मैं इसमें तय चार आलू कसूंगी, और उस दिन ना रोटी ज़्यादा रह गई तब ना डालनी पड़ी, मतलब वे ताज मैं यो एक कर लूँगी बस सिंगाड़े का आटा, तो एक बार कर ले तैयारी। और इसमें गाइस बस दो मिनट का फर्क रहा है, अगर जो हम इसमें है ना इसमें तो कस कर बना हो ना, तो मतलब और भी बढ़िया कती फूला, तो वे भी हैं पर वे थोड़ी थोड़ी फूला थोड़ी थोड़ी नाजुक करते हैं, पर इसमें तो है ना और भी ज्यादा, मतलब तीन ही आलू हो गए चौथा और कर लो, इसमें तो और भी बढ़िया फुली फुली रोटी आऊंगी आप ना दिखाऊंगी जरूर। बस इसमें पानी की जरूरत ना पड़े, ये चार आलू मैंने ले लिए इसमें, और ये इसमें आटे आटे ने इसके मैं गूंथूंगी, देखो कितने बढ़िया हो गया है ना, ये भी इसमें ये डाल लूंगी मैं आटा। तो गाइस ये लग गया है आटा, और मैं बनाऊंगी रोटी रितिका छोक की सब्जी, और इसने भाई गर्म था तो इसने पीसिया को ना, पीसेगी ठंडा हो रहा है, मैं करूंगी बर्तन साफ, तो मैं ये बर्तन साफ कर लू गाइस, और फ्रिज ना साफ करूंगी, सारा फ्रिज भर रहा है कति। तो गाइस रितिका छोक की सब्जी, और मैं करूंगी वो सीख का, इसने एक लोटा दही भर के डाल दूंगी, बाकी का सीख बनाऊंगी, जो सा दही खाओगा वो दही ले लेगा, और दही तो मतलब हमारा कम में खाया करे, सीख तो माफी आकर, और कल बिना जमाई थी हमने दही, तो भी मैं दही भी जमाऊंगी, या कल दिन में जमाई थी सुबह, और तो मन सोची कदे कम रह जाता, फिर कलम बाहर से ले गए इस मारे, तो मैं इसने सीत बना दूंगी इसका भी बच्चे और का, और फ्रिज में तो ना सब इतनी सारा सामान हो रहा था, मतलब एक्स्ट्रा में बहुत सारा हो जाए, हाँ जब एक दो दिन ना संभाला ना, दो दिन हो गए मैंने मतलब फ्रिज ने संभाले, तो उसमें बहुत सारा सामान सा हो रहा था, तो मैंने वो निकाल दिया है सारा, देखो भैया सब्जी छोकेगी। दिखा दी अब इसमें जीरा डाल दिया है, और ये टमाटर का अब इसमें सिंधिया नमक और मिर्च पीसी वो डाल दूंगी, अब ये ढक दिया मैंने, अब मैं पनीर काट लूंगी जब तक। काट लिया पनीर, अब इसमें मैं डाल दूंगी, और ये हो गए पनीर की सब्जी रेडी, अब इसको थोड़ी देर उबाल देंगे ढक के। और गाइस मैं रोटी बनाने लग रही हूँ,
और रितिका ने सब्जी बहुत टेस्टी बना रखी है, देखो टेस्टी का तीन पता कौन है पर शक्ल बहुत अच्छी है। इसमें हल्दी वल्दी कुछ नहीं डाल रखा है, ये व्रत की बनाई है रितिका ने। तो मैं रोटी बना रही हूँ, तैयारी खाऊंगी खाना, अन्नी भोग लगाने की वो कर रहा है तैयारी, जो लगान लग रहा था। रितिका एक बार थाली लगा दे बेटा, लगा। और देखो गाइस सारी रोटी इतनी फुली फुली करारी करारी बनेगी, एक बार इस तरह ना आप जरूर जरूर बना के देखियो। और ये कर लिया नीम जोत बत्ती और भोग लगा हुए हैं। और पापा अपने कुछ कागज वागज का काम करे। हेलो, किसे लगी सब्जी रिति? मस्त बन गई। और आज मैंने परांठे ना बनाए, मैंने तो अपनी क्यों माँ की रोटी बनाई है, सब्जी वाक्य में बहुत बढ़िया बन रही है, मैंने तो बहुत बढ़िया लगी। आपने किसे लगी जी? है तो नानी बढ़िया, अनी ने खाना खा लिया है, हम खान लग रहे हैं। मजा आ गया कभी ठीक है। तो गाइज आप भी बना कर जरूर देखियो गाइज, मतलब कहने की बात ना कह मेरे में बहुत बहुत टेस्टी बन रही है, हर बार बनाया कर रिति खाना रिति यार, और बहुत एक नंबर की टेस्टी सब्जी बन रही है। गाइज खाना हमने खा लिया है और बहुत टेस्टी बन रहा था सच्ची में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई प्लीज़। बाय।